Hello friend, myself Rahul Kumar, Vedic Math Trainer. Today I am going to discuss about what is Vedic Math. So let us start. What is Vedic Math? Vedic Math एक विधि है जिसे हम अपने ancient time से ही हम उसे practice कर रहे हैं. It is a system that is being practiced in our ancient time. That to calculate the mathematics, to calculate the number, that is actually called Vedic math. ये collection है technique का. Vedic math is a collection of technique that consists of 16 sutras and 13 sub-sutras. Vedic math is being written around 1500 to 900 BC in Sanskrit language, and that is being structured or reconstructed by Jagat Guru Swami Sri Bharati Krishna Tirtha Ji Maharaj of Puri. इन्होंने अथर्ववेद की मदद से, अथर्ववेद में मैथमेटिक्स गणना से आधारित सभी सूत्र उपलब्ध हैं, यहाँ वहाँ उपलब्ध हैं. इसी अथर्ववेद को स्टडी करने के पश्चात स्वामी जी ने 16 सूत्रा और 13 सब सूत्रा को डिफाइन किया, सभी यहाँ वहाँ पड़े हुए को एकत्रित करते हैं. ये वैदिक मैथ हमारे प्रॉब्लम को, गणना को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है. डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द मैथमेटिक्स, लाइक एरिथमेटिक प्रॉब्लम, अलजेब्रिक प्रॉब्लम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इवन कैलकुलस भी हम वैदिक मैथ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इन अ वेरी इजी वे. एंड थ्रू वैदिक मैथ वी आर एबल टू कैलकुलेट मेंटल. मेंटल कैलकुलेशन हम लोग बहुत आसानी से वैदिक मैथ के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर आसानी से मेंटली हम लोग कर सकते हैं. इसी तरह से क्यूब भी हमें निकालनी हो तो हम किसी नंबर का क्यूब आसानी से विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ 16 सूत्रास और 13 सब सूत्रास के सहयोग से हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं. कोई भी लेंथी कैलकुलेशन हो उसे भी हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, डेट इज यदि आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो लेस देन 10 सेकेंड. बिगिनर्स हैं तो आप 30 to 50 सेकेंड्स के दरमियान आप सॉल्यूशन कर सकते हैं मैथमेटिक्स. जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ. यवदुनम तवदुनम एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें स्क्वायर करना है 103. लेट सपोज द स्क्वायर ऑफ 103. सो इसमें जानने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है बेस की, कि 103 का नियरेस्ट बेस क्या है. द बेस इज 100. देन हम देखेंगे कि 100 से 103 कितना ऊपर है या नीचे है. द गिवन नंबर, वट एवर द नंबर, विच इज हाउ फार और हाउ लेसर देन द बेस. सो हियर द डिफरेंस इज 3 फ्रॉम देयर बेस. इन द सेकेंड स्टेप, दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि 103 प्लस डिफरेंस, दैट इज 106, एंड स्क्वायरिंग द डिफरेंस. डिफरेंस 3 है हमारा बेस से तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, डेट बिकम 9. एंड इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू एड द डिफरेंस, डेट बिकम 106. लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ पर बेस हमारा जो 100 है डेट कंटेन 2 जीरोज. सो हमें, हमारे साथ यहाँ पर एक कंस्ट्रेन है कि राइट साइड में जो हम नंबर लिखेंगे वो हमेशा और हमेशा 2 डिजिट का होगा यदि उसका बेस 100 है तो. इसलिए राइट साइड में जब 9 आया तो हम उसके बिफोर में एक जीरो ऐड करेंगे तो राइट साइड में हमारा नंबर हो जाएगा 09. इस तरह से हमारा जो 103 का स्क्वायर है ये हो जाता है 10609. सो यू सी हाउ फास्ट यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड इन अ वेरी इजी वे. दिस इज एक्चुअल वेथ. इट इज ए सूत्रा, ये सूत्र है यवदुनम. ये यवदुनम का मेथड है जिसके माध्यम से हमने स्क्वायर को कैलकुलेट किया. सो आई होप यू लाइक द वीडियोज, यू अंडरस्टैंड वट इज वैदिक मैथ. आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियोज. टिल देन
थैंक यू।